सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मैं आपको सामरी के बारे में बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट सामरिटन। सामरी एक बहुत ही खास समुदाय था। देयर आर वेरी स्पेशल ट्राइब्स। सामरी लोग, बाइबल कहती है, गरीब लोग थे। सामरी पीपल वर द पुअर पीपल। और समाज की ओर से रिजेक्टेड किए हुए थे। दे आर रिजेक्टेड बाय देयर ओन। इन लोगों को लोग नीची जाति का समझते थे। दे कंसीडर देमसेल्व्स आर लोअर कास्ट। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह की मुलाकात एक सामरी औरत से होती है। यू मे हैव रीड अ स्टोरी दैट जीसस मेट विद अ सामरिटन वुमन। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? Have you read or not? कितने लोगों ने सामरी औरत की स्टोरी पढ़ी है? How many of you have read the story? यीशु मसीह उस सामरी से कहते हैं, मुझे पानी पिला। Jesus asked to that woman, please give me water to drink. लेकिन वो सामरी कहती, मैं नीची जाति की होकर तुझे पानी कैसे पिला सकती हूँ, क्योंकि तू यहूदी है। That woman replied, I am a Samaritan woman. How shall I give मेरे you water? प्रियो, यीशु मसीह में आने से पहले हम लोग तो गिरे हुए लोग थे। Oh my people, we were so low grounded people before coming into Christ. यीशु मसीह जब हमारे जीवन में नहीं था, लोग हमें नीची जात का समझते थे। When Jesus was not in our life, याजकों ने और लेवियों ने हमें इग्नोर कर दिया। Everybody ignored us. लेकिन वो सामरी कहता, नहीं, मैं तेरे हाथ से आज पानी पीऊंगा। But that Samaritan said, I would drink from your hand. आज मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा। I would eat from your hand. उस परमेश्वर ने आपको गले से लगा लिया। That God embraced you. आप अधमरे थे, आदम की तरह आप मर चुके थे। You were half dead and died like Adam. ओ मूसा, एलिया, अलीशा, बड़े बड़े नबी आए, कोई आदम को नया जीवन नहीं दे सका। All prophet come, Moses, Elijah, but nobody was able to give life to the Adam. बड़े पैगंबर आए, अवतार आए, गुरु आए, कोई किसी इंसान को, मरे हुए इंसान को नहीं बचा सका। So many prophet, teacher, and so many people came, but nobody was given life to the. वो उन्हें पाप से नहीं निकाल सका। उन्होंने भी पाप कर दिया। And they did not able to cast them out from their sin, but they committed sin themselves. मेरे प्रियो, याजक चले गए, लेवी चले गए, कोई नहीं बचा सका। My beloved priests go and all the Levite go, but nobody was able to save you. लिए ये गुड न्यूज है, एक सामरी, एक गरीब, जिसे मेरा यीशु मसीह है, जो मेरा खुदावंद, वो आपके और मेरे लिए संसार में आ गया। Good news that a Samaritan for us who Jesus is. ताली बजाएंगे मेरे खुदावंद के लिए। Put your hands for God. बाइबल में कहते, बाइबल कहती, यीशु मसीह प्रभु होकर भी प्रभु नहीं बना। Bible says that Jesus humbled himself as he was born. फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर ना बना। It's written in the Philippians 2 that he was in the image of God but did not consider himself. उसने अपने आप को इतना नीचा कर दिया कि उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम मिला, यीशु नाम। He so humbled himself that he got this big name, the name of Jesus. ताली बजाएं उस नाम के लिए जोर से। Hallelujah. So, सामरी लोग नीचे वाले लोग हैं। So, Samaritan people are low level people. नीची जाति, rejected लोग, जिन्हें कोई नहीं पूछता है। Low cost, rejected people, considered by no one. हम यहाँ पे देखते हैं, याजक नहीं बचा सका, लेवी नहीं बचा सका। We saw priest couldn't save him, a Levite could not save him. लेकिन एक गरीब सामरी उसके पास आया। But a poor Levite came to him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामरी लोगों को यात्री भी कहा जाता है। I want to say you that Levite, Samaritan can be considered as a traveler sometimes. सामरी लोगों के पास एक गधा होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में घोड़ा नहीं, गधा, एक नमर, एक धीरे चलने वाला जानवर ही इस्तेमाल होता है। They sometimes carries a donkey with them. उसके पास एक गधा है और वो सफर करता है। He has a donkey and he was traveling along him. उसने देखा, ये व्यक्ति कोई सांस ले रहा है। He was saying that that person is dying. वो भाग कर उसके पास गया। He came to that person. उसने उसकी पल्स को चेक किया। He checked the pulse of him. उसने उसके हार्ट को चेक किया। He checked the heart of that person. उसने जल्दी जल्दी से पट्टियां निकाली। Then he took out the bandages. उस पर पट्टियां करनी शुरू की। And bandages on his wound. उसने दाखरस निकाला और उसको लगाना शुरू किया। And took the wine and pour on him. उसको पानी पिलाना शुरू किया। And give the water to him. उसको उठा लिया। He just
और अपनी सवारी पर रख लिया और उसे बाइबल कहती आराम वाली जगह पर ले गया। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। उसने हमारी पट्टियां की, हम पर मलम लगाई और हमें उठा करके चर्च में आराम वाली जगह पर ले आया। Bring us to the church. हम नशा करने वाले थे, शराब पीने वाले थे। We were in the addiction and in the all time for bad things. हम बात-बात पर गालियां निकालने वाले थे। We were so abusive. हम लोग गंदगी से भरे हुए लोग थे। We were full of the dust. पाप से भरे हुए लोग थे। Full of the sin. लेकिन उसने हमसे बिल्कुल भी घृणा नहीं की। But he did not despise us. लेकिन उसने हमें गले से लगाया। He embraced us. वो पैदल चलने लगा। He walked by feet. हमारी क्रूस को उठा लिया। He picked up our cross. और हमें आराम वाली जगह पर ले आया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी धर्म, किसी जाति के लिए नहीं आया। Jesus is not here for any caste or any nation. यीशु मसीह मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आया। He came for the all humans being here. वो मेरे और आपके उद्धार के लिए आया। He came here for me मुझे and your deliverance. और आपको बचाने के लिए आया। He came here to save me and you. जो आज बच चुके हैं अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। All who have saved, worship God. अपने हाथ उठाकर हालेलुया बोले। Raise your hand and say hallelujah. बाइबल कहती है आराम वाली जगह पर ले गया। Bible say brought to the place of comfort. सारी रात उसको पानी दिया, उसको खाना दिया। He took care of him all the night. उसकी देख रेख की। And took care of things. सुबह उठा। When he और woke अपने up next day, अपने सफर के लिए निकल गया and just started his own journey again. और उसने टहल सेवा करने वाले नौकर को अपने पास बुलाया। He called the inner keeper to himself. उसने कहा देख मैंने इसको चंगा कर दिया है। He said, See, I have healed him. अब आगे का ध्यान इसका तुझे रखना होगा। Now you have to take care of him. उसने उसको दो अठन्नियां निकाल के दे दी। He gave him two denarii at that time. कितने जनों को समझ आ रही है? How many of you are understanding? जिन्हें समझ आ रही है आज यीशु मसीह आपके जीवन में आने वाला है। The person understanding Jesus is coming in your life. जिन्हें समझ आ रही है आज प्रभु के दर्शन आपको होने वाले हैं। You are going to see vision in the Jesus. उसने नौकर को बुलाया और कहा देख मैंने इसको चंगा कर दिया, अब बाकी काम तेरा है। He called the innkeeper and said, "See, I have healed. Now it's your responsibility to take care of him." उसने उसको दो अठन्नियां दे दी। He gave him the two denarii. ये दो अठन्नियां क्या दी उसको? What are these two denarii? परमेश्वर का जीवित वचन। The living word of God. ये नौकर कौन है? Who is that servant? ये पास्टर है। This is the pastor. ये सामरी कौन है? Who is that Samaritan? ये यीशु मसीह है। He is the Jesus Christ. यीशु मसीह ने पास्टर को कहा, Jesus Christ said to the pastor, इस कलीसिया को मैंने बचा लिया है। I have saved this church. अब मैं तुझे ये दो अठन्नियां देता हूं। Now I am giving you these two denarii. ये दो अठन्नियां एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। These two denarii are in the Old Testament and a New Testament. इन दो अठन्नियों से तू अब इनकी सेवा करता रहना। You have to take care of them with these two denarii. वो यात्री चला गया। They started his own journey. कहां चला गया? Where he went. स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया गया। He abode to the heaven. और उसने उस नौकर को क्या कहा? And what he said to the servant, मैं जब दोबारा वापस आऊंगा, when I will visit again, जो तेरा ज्यादा लगेगा, if you spend more on that, मैं तुझे वापस करूंगा। I will reimburse everything. मैं विश्वास करता हूँ। I believe. मैं faith करता हूँ। I have faith. यीशु मसीह के पास मेरे लिए बहुत कुछ है। Jesus has so many things for me. मैं believe करता हूँ। I believe. मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो मेरा ज्यादा लग गया है वो वापस लेकर आने वाला है। God will reimburse everything for me which I spend for him. ताली बजाएं मेरे प्रभु के लिए। Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Jesus, hallelujah. कितना महान हमारा परमेश्वर। How great our God is. ओ जब मैं उसके प्यार को देखता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। Oh, when I see his love, I just start crying. मेरे आंखों से आंसू आते हैं कि उसका प्यार कितना महान है। Tear just rolling out of my eyes. ओ याजक लेवी मुझे नहीं बचा सके। The priest and Levite could not save me. लेकिन मेरा यीशु मसीह मेरे लिए आया। But Jesus came for me. उसने दो अठन्नियां उसको दे दी। He gave two denarii to him. पीछे वाले वचन में लिखा है उसने दाखरस से उसकी टहल की, टकोर की और उसे चंगा किया। In the previous words it said that he put his own wine and healed him. उसने कहा वहां पर लिखा है कि उसने तेल से उसको चंगा किया।
that is written he healed him with the oil. मेरे प्रियो ये तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है. My beloved, this oil represent the Holy Spirit. यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया है. Jesus gave you his Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा से आपकी आत्मा और आपका शरीर चंगा हो चुका है. And with that Holy Spirit, your body and your spirit are healed. जो चंगे हुए हैं धन्यवाद करें हाथ उठाकर. Those who have healed, raise their hands. सब बोले थैंक यू जीसस हाथ हिलाकर. Hallelujah. बोले थैंक यू जीसस. तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. For your stripes I've been healed. तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. For your sorrows I've been healed. जोर से बोलेंगे हालेलुया. Speak loudly hallelujah. पास्टर अपने आप से मेरे प्रियो खड़ा नहीं हुआ है. Pastors are not appointed by himself. उसको जिम्मेवारी दी गई है. He has given the authority. उसको सामरी ने कहा है कि तू इसकी सेवा करना, मैं तुझे हिसाब दे दूंगा और तुझे ब्लेस कर दूंगा. He appointed by the Samaritan and said, "You have to take care and I will reimburse everything." मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ. I am not against anybody. मैं सारे पास्टर से प्यार करता हूँ. I really love and honor all the priests and pastors. मैं पंजाब के, इंडिया के, पूरी दुनिया के पास्टर से प्यार करता हूँ. And I love all the pastors and preachers of this world. लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ अपने आप बने पास्टर जो है आज पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं. But I want to tell that some self-proclaimed pastor making the things very bad today in Punjab. कुछ self-made pastors जो हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं. बिना अनुभव के, बिना परमेश्वर की बुलाहट के, दूसरे पास्टर्स को देख देख के कॉपी कर करके लोगों में एक गलत संदेश को पहुंचा रहे हैं. I just want to warn the preacher who are stood up by themselves, ordained by themselves, they are making the things very bad in Punjab. आज हमें उन पास्टर्स के लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके हृदयों को बदले. वो पहले सीखें, पहले अनुभव लें, फिर परमेश्वर की सेवकाई करें. Today we have to pray for them so that they may have that conscious and that Lord may appoint them and they will serve again for the Lord. ताकि प्रभु के नाम पर बदनामी नहीं, पर प्रभु के नाम पर महिमा ही महिमा होती रहे. So that the name of Lord will not attain any kind of stain on it, but it will be glorified forever and ever. जोर से बोलेंगे हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर ने इन पास्टरों को खड़ा किया है जो बुलाहट के साथ सेवा करते हैं. So the Lord has appointed them, the priests who are called by the God. मैं कभी सेवा नहीं करना चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू सर्व. मेरे माँ, मेरे पिता मुझे हमेशा कहते थे, रमन देख तू सेवा कर, तेरे मम्मी पापा प्रभु की सेवा करते, तुझे भी सेवा करनी पड़ेगी. माय पेरेंट्स ऑलवेज यूज्ड टू से मी, ओ रमन यू हैव टू सर्व बिकॉज़ योर पेरेंट्स आर सर्विंग. मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सेवका ही नहीं करूंगा, ये बड़ा कठिन काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा. आई रिप्लाइड आई वुड नेवर सर्व गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू. इतने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को मनाना, किसी की बकरी खुल के भाग गई, किसी की पल्ली गवाच गई, किसी की रिक्शा रेडी गवाच गई, इतने लोगों के लिए प्रार्थना करना मेरे लिए कठिन है. I said that it is not my cup of tea to pray for the people for the every tiny task they will give. सेवकाई में एक बड़ी अमेजिंग बात देखने के लिए मिलती है, सब लोग पास्टर को ही अपना सारा कुछ बताते हैं. इट इज वेरी astonishing थिंग टू सी इन द मिनिस्ट्री, people say their everything to their pastor. कुछ नुकसान हुआ तो पास्टर, एवरी बेनिफिट टू They tell to pastor. दुष्ट आत्मा आ गई तो पास्टर. If evil spirit come, they talk to pastor. काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, बीमारी आ गई तो पास्टर. If there is nothing to do, no business, then again they will talk to the pastor. कई बार मैं परमेश्वर से कहता हूँ, परमेश्वर पता नहीं तूने मुझे कैसा बनाया कि मैं इतने लोगों की समस्याएं सुन लेता हूँ और मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन टेंशन नहीं होती है. Sometime I praise God and said, Oh Lord, thank you for making me like this, that I'm giving my ear to all the people. लेकिन मैंने अपने पिता को कहा नहीं, मैं ऐसी सेवकाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे से तो अपनी समस्या नहीं संभाली जाती, मैं लोगों की कैसे सुनूंगा. I denied to my father that I'm not able to fix my own things. How should I pray for the people? लेकिन यीशु मसीह ने मुझे कहा, अगर मैं सारी दुनिया का बोझ उठा सकता हूं बेटा, मैं तुझे भी ऐसा बनाऊंगा कि तू सारी दुनिया का बोझ उठा सकेगा. Then Jesus replied that if I took the burden of all the mankind, then why you would not be through this? पास्टर की नौकरी बोझ उठाने वाली नौकरी है. The job of a pastor is to take the burdens. इस नौकरी में कभी रिटायरमेंट नहीं मिलती. There is nothing like retirement in this place. कोई पेंशन नहीं है. No pension in this job. Only tension, no pension. No pension, only tension in this job. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं. But Lord says I am with you. अब तो गवाहियां बहुत बदल चुकी है. Now the testimonies are so much changed. लेकिन जब हम नए नए सेवकाई में आए थे तो टेस्टिमनियां बड़े अलग अलग तरह की होया करती थी. When we started the ministry, there are so different kind of testimonies we used to see. कई लोगों की
पशुओं को चारा डालने वाली पट्टे डालने वाली पल्ली गवाज जाए वो भी प्रार्थना के लिए आ जाता है, पोस्टल जी मेरी पल्ली गवाज की दुआ करे वो मिल जाए। पीपल यूज्ड एंड से टू अस वी आर मिसिंग आर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स फॉर आवर एनिमल्स प्लीज प्रे फॉर दैट। कई कहते हैं मुझे प्रिंड ने डस लिया डंग मार दिया मेरे लिए प्रार्थना करे मुझे प्रिंड ने डस लिया। सम टाइम पीपल से आई हैव बीन स्टंग बाय अ वास्प प्लीज प्रे फॉर मी। मतलब सिली सिली प्रे टॉपिक होते थे फनी वाले गेटिंग फनी एंड सिली टॉपिक्स टू प्रे। लेकिन मैं खुदा का थैंक्स करता हूं अब ऐसे प्रार्थना विषय लोग खुद ही हल कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। आई वुड थैंक टू गॉड दैट दिस काइंड ऑफ टीनी टॉपिक्स नाउ नॉट कमिंग टू अस। और मेरा परमेश्वर इस कलीसिया को इतना अच्छा बना रहा है, इतना बुद्धिमान और आत्मा से भरा बना रहा है कि अब मेरी चिंताएं कम हो रही है और ये कलीसिया सारे काम खुद ही करती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। नाउ आई वुड थैंक टू दिस चर्च दैट दे आर सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन द क्राइस्ट। ताली बजाएं मेरे परमेश्वर के लिए जोर से। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लॉर्ड। So, पास्टर की नौकरी बड़ी मुश्किल नौकरी है। So, the job of pastor is very difficult job in this world. Oh, it's very, very difficult. बहुत मुश्किल है ये. Oh, it's very difficult. So लोग much. लोग सीसीटीवी कैमरे की तरह पास्टर को हर वक्त देखते रहते हैं. They keep watching like a CCTV camera to the life of pastor. पास्टर की टाई टेढ़ी है या सीधी है वो भी देखेंगे. They are saying the tie of the pastor is fixed or not. जुराब एक नंबर छोटा पहनी एक बड़ी पहनी वो भी देखेंगे. They will looking onto the socks of the pastor. मैचिंग हो रही है कपड़ों से नहीं हो रहा वो भी देखेंगे। They are matching with each other or not. Oh, उसके बच्चे क्या करते हैं, उसकी वाइफ क्या करती है, ये भी देखेंगे। What his wife is doing, what their children are doing, they're keeping updates of everything. ये जॉब मेरे प्रियो बहुत मुश्किल वाली नौकरी है। Oh my beloved, this job is so difficult. लेकिन मुझे ये बहुत आसान लगने लगी है। But now it seems very easy to me. क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर आ चुका है। Because I have Jesus in my life. लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, But when Jesus in your life, कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। Nothing will be difficult for you. फिर वो काम आप नहीं करेंगे यीशु मसीह आपके जीवन से करेगा। यीशु that thing Jesus will do in your life you will not do that. ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए। Give a loud of applause to God.